जैसा आप जानते हो, एमएफसी सिलेक्शन के बाद आपको स्टार्ट योर एमएफसी जर्नी का ये ऑप्शन आता है और ऑनबोर्डिंग के लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है। लेकिन इस टाइम क्या चल रहा है, आप मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ना कोई मैसेज आ रहा है ना कोई आपको बैक टू बैक फिर से वही ऑप्शन दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं, ये एक सर्वर इशू है। लेकिन मैंने इसके लिए मोस्ट टीम से बात भी की तो उन्होंने बताया कि एक सर्वर इशू है, हट जाएगा। लेकिन फिर मैंने एक दिन मोबाइल नंबर फिल किया और व्हाट्सअप नंबर डाला तो व्हाट्सअप पे तुरंत मैसेज आया। और ऑनबोर्डिंग का फॉर्म भरते समय आपको बहुत ध्यान से रखनी है, नहीं तो आपका एमएफसी सिलेक्शन रुक सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये व्हाट्सअप पे मैसेज कैसे आया, बाकी चीज़ें कैसे हैं। तो फिर जैसे मैंने मोबाइल नंबर फिल किया, तुरंत मुझे जस्ट सेकेंड में ये मैसेज मुझे देखने को व्हाट्सअप पर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि मैंने कैसे फॉर्म भरा। कॉन्ग्रेचुलेसन अनिल मौर्य, मोस्ट एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर मोस्ट टीम एमएफसी सिलेक्शन प्रोग्राम। अब इन्होंने आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये देखना है पार्ट, नहीं तो कोई भी गलती करोगे तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया हुआ है, फिर उस पर लिखा हुआ है टैप ऑन आइकन बिलो द सेलेक्ट लैंग्वेज। तो मैंने लैंग्वेज को भी हिंदी किया हुआ था तो तुरंत एक वीडियो बन के आ जाती है, उसको आप देख सकते हो। उसके बाद आपको पूछता है प्लीज़ टेल योर फुल नेम, तो मैंने नाम बताया। फिर आपको पूछता है कि आपका ये नाम ही है, कंफर्म करना है, तो मैंने यस किया था। फिर उन्होंने नेक्स्ट पूछा प्लीज़ टेल यू अबाउट जेंडर, मैंने जेंडर को भी बताया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उन्होंने पूछा था, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर वही रखना। उसके बाद मिर्ज़ापुर को कंफर्म करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो, हाँ। उसके बाद फ्रेंड 6 डिजिट का पिन कोड आपके एरिया का, ज़िले का मतलब आपके एरिया का भरना होगा, वो कंफर्म करेगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी वही डालना है जो आपने वहाँ पे दिया हो, ठीक है, या मोबाइल नंबर जो भी है तो वही करना, ताकि उस पर आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए वो सही से आपको बता सके। उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, वो इस फॉर्मेट में जो वहाँ पे आपने भरा होगा, तो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ऑनबोर्डिंग करते टाइम आप एक बार देख लेना कि नहीं वही है कि नहीं, क्योंकि कोई भी इशू करोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कैटेगरी पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में बनाते हो, अगर वहाँ पर जो भी कैटेगरी दिख रही है उस कैटेगरी में आपका नहीं है तो आप अदर डाल देना, अगर है तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था, तो वहाँ पे अदर किया हुआ था। उसके बाद ये लास्ट में कंग्रेचुलेसन यू हैव कम्प्लीटेड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM पे मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो ये एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मैंने पूरा फॉर्म कम्प्लीट किया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, जो भी इशू आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद आपको तुरंत वहाँ पे एमएफसी का बैच शो करने लगेगा, आप एमएफसी सिलेक्शन भी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।